नशे का दबाव मार रहा है, शेड्यूल कास्ट के आदमियों को दबाव मार रहा है, बाहर काटो कैंडिडेट दोनों तीनों को। करीब दो साल की देरी से हो रहे पंचायत चुनाव में मतदाताओं के बीच भारी उत्साह देखा जा रहा है। बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्सुक है। वे विकास के मुद्दों को लेकर अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। मतदान के पहले घंटे में रेवाड़ी में करीब 6000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन पंचायत चुनाव होने के चलते ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मतदान केंद्रों पर लाइनें लगी हुई हैं। इस चुनाव की खास बात यह है कि महिलाएं भी मुखर होकर अपने मुद्दों को जहन में रखकर मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं। हमने भी कुछ ऐसी महिलाओं से बात की। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शानू है। कौन सा गांव है? कमालपुर। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा रोल होता है, कहीं 50% महिला मतदाता हैं, तो क्या जहन में रहता है वोट करने जाएंगे भी आप? पहली बात तो ये होती है कि गांव में जो जैसे सड़कें हैं फूटी है, उनको रिपेयर कराए। दूसरा है कि जो महिला है वो भी आगे बढ़े। और तीसरा ये है कि जितना भी जैसे बहुत सी कमियां हैं गांव में, उन कमियों को पूरा करें। शर्मिला, आप बच्चों के साथ मतदान करने जा रहे हैं, कितना उत्साह है मतदान को लेकर? बहुत ज्यादा है। किन मुद्दों को लेकर? कहीं ना कहीं महिलाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है लोकतंत्र में, तो किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? मैं अपने हिसाब से करना चाहूंगी, क्योंकि जो भी बनेगा वो हमारे हित में होगा, जो भी कार्य करेगा वो हमारे हित में करेगा, पूरे गांव के हित में करेगा। मतलब एक ऐसा विकास करे जो आप गांव में चाहते हो, कि जो दिख रहा है आपको कमी है वो पूरा करना चाहिए। जी हाँ, लेडीजों के एजुकेशन के लिए और उनके मतलब जो भी अधिकार होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। बता दें कि रेवाड़ी में 5 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह मॉक पोल के बाद सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान के पहले घंटे में करीब 6000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बावल रोड स्थित बिठवाना मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। हालांकि पहले से ही मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने प्रत्याशियों को मतदान केंद्र से बाहर निकाला, तब जाकर मामला शांत हो पाया। इस दौरान एक प्रत्याशी ने तो दूसरे प्रत्याशियों पर दबाने के आरोप भी लगाए। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से रेवाड़ी में लगातार मतदान का जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। दबाव मार रहा है, आदमियों को दबाव मार रहा है, बाहर काटो कैंडिडेट दोनों को। अभी प्रशासन से मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर पुलिस फोर्स आनी चाहिए, दबाव मार रहा है।